हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कंस्ट्रक्टर इन डिराइव्ड क्लास का एग्जांपल। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कंस्ट्रक्टर इन डिराइव्ड क्लास हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अपना लगा लेते हैं जो लगाते हैं हमेशा, हैशटैग सीपीपी करके। ओके, अब हम क्या क्या करेंगे, एक क्लास डिफाइन करेंगे। क्लास क्यों डिफाइन कर रहे हैं, ताकि हम इनहेरिट कर पाएँ और कंस्ट्रक्टर डिराइव्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर लिखने का क्या जरूरी पड़ता है वो देख पाएँ। तो उससे पहले हम एक क्लास डिफाइन कर लेते हैं, क्लास जिसका नाम ए कर देते हैं। ओके, और उसके बाद यहाँ पे हम एक इसका कंस्ट्रक्टर भी बना देते हैं, क्लास ए का कंस्ट्रक्टर। और हमने बताया था क्या, अगर आप क्लास के में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देते हैं तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को फिर से हमको जब डिराइव करेंगे उसको, जब उसको इनहेरिट करेंगे, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टर लिखने का कोई जरूरी नहीं होता है। उसको भी यहाँ पे अभी करके देखेंगे, उसके बाद जानेंगे जब हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पास कर रहे हैं तो हमको क्यों करना पड़ता है, डिराइव क्लास के में कंस्ट्रक्टर लिखना पड़ता है सबका। ओके, तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं ए का कंस्ट्रक्टर यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं गाइस। ओके, ए का कंस्ट्रक्टर हम यहाँ पे डिफाइन कर ले रहे हैं, इसमें प्रिंट करवा देते हैं क्या, प्रिंट करवा देते हैं, क्लास ए का नाम प्रिंट करवा देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं सी आउट, सी आउट, और यहाँ पे कर देते हैं क्लास ए, क्लास ए। ओके, उसके बाद इंडेल, और ये तो मेरा हो गया क्लास ए का कंस्ट्रक्टर हो गया। एक वेरिएबल के ऊपर डिफाइन कर लेते हैं, एक वेरिएबल के ऊपर डिफाइन कर लेते हैं, या फिर छोड़ देते हैं। अभी चलते हैं अगले क्लास के ऊपर। अगले क्लास कौन सा है, क्लास बी। क्लास बी यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, और इसका भी हम कंस्ट्रक्टर यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं गाइस, क्लास बी का। तो उससे पहले आपको मालूम होगा यहाँ पे पब्लिक लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे पब्लिक भी लिख देते हैं। ओके, पब्लिक हो गया। सेम प्रकार से इसमें भी करना है पब्लिक, और उसके बाद इसका कंस्ट्रक्टर कैसे लिखते हैं, क्लास का नाम लिखते हैं और साथ में ब्रैकेट लगाते हैं, और जैसे फंक्शन लिखते हैं वैसे ही लिखते हैं। मेरा कंस्ट्रक्टर हो गया। उसके बाद आगे करते हैं, और यहाँ पे हम क्लास बी कर लेते हैं, क्लास बी यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं, क्लास बी। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर से इंडेल, इंडेल लगा देते हैं गाइस। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो हमने दो क्लास बनाया है, क्लास ए और क्लास बी, ये दोनों को अब इनहेरिट करने वाले हैं क्लास हम सी में। क्लास सी में क्या करेंगे, ये दोनों को इनहेरिट करेंगे, तब तो हम एग्जाम्पल देख पाएंगे। तो चलिए इनहेरिट करते हैं। तो क्लास सी पहले हम डिफाइन कर लेते हैं, क्लास सी, और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद या इसका भी हम कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, इसका भी कंस्ट्रक्टर बना देते हैं गाइस, एक नट क्लास सी, और उसके बाद इसका कंस्ट्रक्टर। इसका कंस्ट्रक्टर कैसे लिखेंगे, क्लास का नाम और साथ में ब्रैकेट, और उसके बाद ये सब हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहे हैं, ये सब हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। तो यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना, ये सब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, और इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर करके फिर देखेंगे आगे कैसे करना है। तो यहाँ पर पब्लिक लिखना पड़ेगा, पब्लिक लिख देते हैं। ओके, उसके बाद इसमें प्रिंट करवाते हैं, हम काम इसमें प्रिंट करवाते हैं सी आउट, और उसके बाद क्लास सी, उसके बाद यहाँ पर भी इंडेल, इंडेल। ओके, ये मेरा सब कंस्ट्रक्टर बन गया सब क्लास का। अब चलिए यहाँ पे हम क्लास सी को जब कन करेंगे, उससे पहले यहाँ पे इनहेरिट तो कर दें। तो यहाँ पे इनहेरिट करने के लिए कैसे करते हैं, कॉलन लगाते हैं, कॉलन लगाने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपल इनहेरिट मोड देते, तो इनहेरिट मोड पब्लिक देते हैं, पब्लिक के बाद क्लास ए का नाम। ओके, फिर क्या करते हैं, अगर दूसरा क्लास को भी इनहेरिट करना है तो पब्लिक लिखते हैं, और फिर क्लास का नाम, तो क्लास का नाम लिख देते हैं। ये भी दोनों को हम इनहेरिट कर लिए हैं, और यहाँ पर सेमी कॉलन लगा देते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो क्लास सी में हम ए और बी दोनों को इनहेरिट कर लिए हैं, तो क्लास सी का हम सिर्फ क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्लास सी का सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्लास सी का सी वन ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और उसके बाद इसको रन करवाते हैं। इसको रन करवाएंगे तो देखिएगा तीनों कंस्ट्रक्टर क्या होगा, कॉल होगा वन बाई वन, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, तीनों का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। यहाँ पे इंडेल गलत लिखा गया कहीं पे, यहाँ पे इंडेल, इंडेल आप सही चलेगा। तो यहाँ पे क्लास ए, क्लास बी, तीनों का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो यहाँ पे देखिएगा पहले कौन सा कॉल होगा, पहले क्लास ए का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसके बाद क्लास बी का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसके बाद क्लास सी का कंस्ट्रक्टर हुआ। तो अगर हम नॉर्मल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देते हैं सभी क्लास में, तो हमको कोई इशू नहीं होता है, कोई एरर नहीं आता है, मेरा एकदम स्मूथली चलता है। लेकिन वहीं पे प्रॉब्लम तब आ जाता है जब यहाँ पे हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं देखे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर देते हैं तब। जैसे यहाँ पे अभी एग्जांपल हमने लिया तो एकदम सही चल रहा था, कोई एरर नहीं आ रहा था, सिंपल हमने समय में कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया, एकदम अच्छा चल रहा था। वहीं पर हमने यहाँ पे जो भी किए हैं उसी के जगह पर हम यहाँ पे ऐसे कर दें, एक हम वेरिएबल बना लें इंट एक्स करके, या फिर इंट आई करके, इंट आई करके, या फिर ए कर देते हैं, इंट ए, इंट ए करके हम यहाँ पे वेरिएबल बना लें, और इसमें हम क्या करें, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर देके इंट हम एक्स कर दें, पैरामीटराइज करके इंट एक्स कर दें, और ए में हम वैल्यू सप्लाई करें, ए इक्वल टू एक्स कर दें, तब यहाँ पे एरर आने लग जाएगा। तब
तब यहाँ पे एरर आने लग जाएगा। क्यों वो भी बताएंगे। फिर यहाँ पर भी हम डिफाइन डिक्लेयर कर देते हैं एक ऑब्जर्व वेरिएबल, जैसे मान लेते हैं इन ए हो गया था, वी कर देते हैं यहाँ पे, और इसमें हम बी सप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं इंट वाई, और उसके बाद यहाँ पे कर देते हैं बी में हम सप्लाई कर देते हैं वाई का वैल्यू। ओके ये कर दिया। तब ऐसे जब भी किए हैं तो यहाँ पे देखिएगा एरर आएगा। आप इसको रन करवाते हैं तो देखिएगा एरर में क्या लिखता है। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा एरर आ गया है, देख सकते हैं बहुत सारा मेरा एरर आ गया है। यहाँ पे बता रहा है नो मैचिंग फंक्शन कॉल, नो मैचिंग फंक्शन कॉल, नो मैचिंग फंक्शन कॉल। यहाँ पे मेरा जब हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तब मेरा क्या होता है एरर आने लगता है। उस एरर को रिजोल्व करने के लिए हम पढ़ते हैं कंस्ट्रक्टर इन डेराइव्ड क्लास, जो अभी हम कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, पढ़े हैं थ्योरी में, उसी को यहाँ पे अब अप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे अब अप्लाई करते हैं और कंस्ट्रक्टर इन डेराइव क्लास में कैसे करते हैं वो समझते हैं। तो यहाँ पे तक एरर आ गया सब देख लिए। एक और वेरिएबल हम सी में भी डिक्लेयर कर देते हैं ताकि आप ज़्यादा रिलेट कर पाएँ, इंट सी कर देते हैं इसमें, और यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर भी हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्ट। अब यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्टर में हम बताए थे क्या, कंस्ट्रक्टर में हम बताए थे सबसे पहले यहाँ पे जब जब दो क्लास को जब इनहेरिट कर रहा है या फिर जितना क्लास को इनहेरिट कर रहा है, जब डिराइव्ड क्लास में हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं वो भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का, तब वहाँ पे क्या होता है, तब वहाँ पे हमको एक सिंटेक्स फॉलो करना आता है जो सिंटेक्स हम पढ़े थे। तो सिंटेक्स कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या जो हमको इनहेरिट कर रहा है उसका वेरिएबल का नाम। तो उसका वेरिएबल का नाम क्या है, उसका वेरिएबल का नाम यहाँ पे देखिएगा ए है, यहाँ पे ए लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और वेरिएबल का नाम जो दूसरा क्लास इनहेरिट कर रहा है बी, उसके बाद इस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है इसका जो वैल्यू है उसका नाम, तो उसका नाम यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम देते हैं क्या, उसके बाद देते हैं कॉलन लगाते हैं, उसके बाद आगे करते हैं। ओके उसके बाद क्या करते हैं, ये हो गया ए बी सी लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे अगर जितना भी हमारा रहेगा उतना करेंगे, उसके बाद लास्ट में ये जो मेरा डिराइव्ड क्लास है उसका नाम लिख देंगे, उसके वेरिएबल का नाम। उसके बाद यहाँ पे कॉलन लगाएंगे, कॉलन लगाने के बाद क्या करेंगे, जिस क्लास को इनहेरिट किया गया उस क्लास का नाम और साथ में उसमें जो वैल्यू है वो, तो इसमें कौन सा वैल्यू जाएगा, ए का वैल्यू जाएगा। तो ए का वैल्यू जरूरी नहीं है, इसको हम चेंज करके भी देखेंगे। ओके फिर यहाँ पे क्या करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर नेक्स्ट वाला क्या था, नेक्स्ट वाला मेरा क्लास बी था और इसमें कौन सा वैल्यू जाएगा, इसमें जाएगा बी का वैल्यू। ओके क्लियर हुआ, क्लियर हुआ गाइस, यही करने वाले हैं। तो चलिए अब इसको रन, यहाँ पे जब हम यहाँ पे अब ऐसे करेंगे, तीन आर्गुमेंट ले रहा है, तो जब कंस्ट्रक्टर बनाएंगे सी का तो तीन आर्गुमेंट देना पड़ेगा, तो 1 2 3, 1 2 3 हम यहाँ पे पास कर देते हैं। ओके अब आगे बढ़ते हैं। ये सब वैल्यू हम सप्लाई किए हैं, तो वैल्यू सप्लाई किए हैं तो वैल्यू को भी फिनिश करवा के देख लेते हैं कंस्ट्रक्टर में। इसमें हम वैल्यू भी प्रिंट करवा देते हैं, एक्स का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं सी आउट, और उसके बाद यहाँ पे कर देते हैं ए प्रिंट करवा देते हैं, वैल्यू का नाम जो कि है मेरा ए, ए प्रिंट करवा दिए। ओके उसके बाद अगला में यहाँ पे क्या है बी, तो यहाँ पे हम बी प्रिंट करवा देते हैं, अगला में बी प्रिंट करवा देते हैं, और उसके बाद इसमें सी प्रिंट करवा देते हैं, इसमें हम सी प्रिंट करवा देते हैं। ओके अब चलिए आप रन करवाते हैं, अब देखते हैं मेरा एरर आता है या नहीं, जो हम एरर पहले आ रहा था मेरा वो वाला। ओके तो यहाँ पे कुछ कुछ मिस्टेक लग रहा है कहीं पे, तो उसको मिस्टेक को हटाते हैं, कहीं पे सेमी कॉलन मिसिंग लग रहा है, सेमी कॉलन को देते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे कुछ कुछ मिस्टेक था उसको यहाँ पे हटा रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा हमने यहाँ पे वैल्यू तो दे दिया है ए बी सी करके दे दिया है, लेकिन यहाँ पे डिफाइन नहीं कि इसका डाटा टाइप नहीं दिए हैं, तो इसलिए एरर आया। तो यहाँ पे इसका हम डाटा टाइप देते हैं, यहाँ पे डाटा टाइप क्या था, इसका इंट था, इंट वैल्यू ले रहा था, फिर यहाँ पर भी इसका डाटा टाइप क्या था, इंट था, फिर यहाँ पर भी इसका वैल्यू क्या था, इंट था, इंट टाइप का वैल्यू था। उसके बाद ए में जो भी वैल्यू होगा, ये ए जो है मेरा ये वेरिएबल, ये ए वाले कंस्ट्रक्टर में जाएगा, और बी का जो वैल्यू था वो बी वाले कंस्ट्रक्टर में जाएगा। ओके अब रन करवाते हैं, अब मेरा सही चलेगा। तो यहाँ पे रन हो गया है मेरा, और देखिए जो हम कंस्ट्रक्टर में पास किए हैं वैल्यू ए, तो ए किस में गया है, ए वाले कंस्ट्रक्टर में गया है, तो ए में प्रिंट कर दिया ए, फिर दो कैक्स में गया है बी वाले में, तो बी वाले में प्रिंट कर दिया दो, और यहाँ पे सी प्रिंट कर दिया तीन वाले में। ओके ये क्लियर हुआ आपको, ए बी सी यहाँ पे क्यों कर रहा था और कैसे वो हुआ। ओके कंस्ट्रक्टर में कैसे पास हुआ वो भी समझ में आया, डिराइव्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर हम क्यों दे रहे हैं वो भी मालूम चल गया। अगर मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहता तो सभी में तो कोई इशू नहीं था, लेकिन ये यहाँ पे एरर तब आ जाता है जब मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आता है तब। और पता है आपको पैरामीटराइज कोई भी कंस्ट्रक्टर वो अपने आप कॉल होता है, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जब कॉल होता है तो उसमें वैल्यू देना मैंडेटरी हो जाता है, तो वैल्यू देना जब मैंडेटरी होता है तो वहाँ पे वैल्यू तो पास करना पड़ेगा। वैसे आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लास कंस्ट्रक्टर में नहीं बनाएगा तो वो तो कॉल तो होगा ही, और जब कॉल होगा उसको वैल्यू नहीं मिलेगा तो एरर तो थ्रो करेगा ही करेगा। ओके अब यहाँ पे मान लेते हैं हम यहाँ पे कुछ चेंजिंग कर दें, जैसे हम पहले ए को यहाँ पे करें उसके बाद बी को करें, तो क्या होगा, तो यहाँ पे हम कॉमा लगा देते हैं। ओके यहाँ पे ये क्या हो गया, ओके यहाँ पे हम कॉमा लगाते हैं और इसको हटाते हैं। अब देखिए अब रन कराते हैं,
अब कोई चेंजिंग होता है या नहीं, बस हम यहाँ पे इनहेरिट मोड चेंज कर दिए हैं, बी को इधर कर दिए हैं, ए को उधर कर दिए हैं। तो जैसे ही हमने इनहेरिट मोड चेंज किया तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉलिंग भी चेंज हो गया। पहले बी कॉल हो गया, उसके बाद ए कॉल हुआ, उसके बाद सी कॉल हुआ। ओके, ये हो गया। अगर मान लेते हैं इसको हम चेंज कर दे, तो ये जो हम यहाँ पे लिखे हैं प्राइवेट करके, इसको चेंज कर दे तो इसको चेंज कर दें तो इसका वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। ओके, इसका क्या होगा, वैल्यू भी चेंज हो जाएगा अगर हम उसको चेंज करते हैं तो। वो भी करके आपको दिखा देते हैं, हिट एंड ट्रायल तो करना ही है, चेंज करते जाइए आउटपुट एनालाइज करते जाइए। ओके, इसको हम चेंज कर देना है तो देखिएगा वैल्यू भी चेंज हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वैल्यू भी इसका चेंज हो गया है। ओके गाइस, तो यहाँ पे समझ में आया, सॉरी वैल्यू चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका आर्गूमेंट में बी में जा रहा है, कौन सा, बी वाला वैल्यू, तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा वो, क्योंकि यहाँ पे ए में देखिएगा ए में कौन सा जा रहा है, ए। अगर हम उसको हटा दें उसके आर्गूमेंट में जो वैल्यू है वो तो चेंज कर देता होगा, क्योंकि यहाँ पे आर्गूमेंट में जा रहा है बी तो बी वाला जगह पे जाएगा, फिर आ रहा है ए तो ए वाली जगह पर जाएगा, तो वो चेंजिंग नहीं होगा, वहाँ पे चेंज नहीं हुआ होगा। फिर से रन करवा के यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, अगर उसका हम आर्गुमेंट में जो वैल्यू है ए है, ए को अगर बी बी से अगर हम ए में रिप्लेस कर देंगे तब होगा, देखिए कोई नहीं चेंजिंग होगा। तो यहाँ पे जब हम जब ये कॉलिंग वाला चेंज कर देंगे, जब यहाँ पे जो इनहेरिट कर रहे हैं इसको इधर उधर कर देंगे तब मेरा ये चेंज होगा, नहीं तो कोई चेंज नहीं होगा। और वो भी चेंज होगा जब प्रिंट होगा तब चेंज होगा, कॉलिंग टाइम चेंज होगा और इसमें कोई एरर नहीं आएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे आई थिंक आपको ये सब क्लियर हुआ होगा कैसे हम कर रहे हैं डायरेक्ट क्लास। और मान लेते हैं एक और क्लास होता है क्लास डी, तो क्लास डी में भी वैसे ही करते हैं, यहाँ पे वेरिएबल देते हैं और यहाँ पे जितना पहले ये जो वेरिए ये सब जो वेरिएबल दिए हैं, ये सब डिक्लेरेशन दिए हैं, ये सब हम दे रहे हैं किसका, जो मेरा बेस क्लास है उसका। तो बेस क्लास का पहले देना है, उसके बाद मेरा डिराइव क्लास का अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं ये मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर रहता, इसमें कोई वेरिएबल नहीं रहता, इसमें मान लेते हैं कोई वेरिएबल नहीं रहता, तो इसमें कोई वेरिएबल नहीं रहता तो कोई बात नहीं है, मेरा अच्छे से चलता है प्रोग्राम, कोई एरर नहीं आता। तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे अच्छा क्लास सी में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो गया है क्लास सी में। ओके गाइस, तो क्लास सी में यहाँ पे क्या चेंज, ओ कॉलिंग टाइम यहाँ पे चेंज हो रहा है गाइस, यहाँ पे क्लास सी में कॉलिंग टाइम चेंज हो रहा था, इसको हटाते हैं। ओके गाइस, इसको हटा दिए, अभी हटा के अब इसको रन करवा देते हैं, अब सही चलेगा। वो एक्स्ट्रा वेरिएबल आ रहा था इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था, तो अब यहाँ पे प्रिंट कर दिया है और सी की जगह कोई गार्बेज वैल्यू आ रहा है क्योंकि यहाँ पे पास हम कर नहीं रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आई होप सबको आपको समझ में आ गया होगा, जैसा था वैसा कर देते हैं इसमें। ओके, इसको जैसा था वैसा कर देते हैं गाइस। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।